की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सा और आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज। फरुखाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से लगभग 1 करोड़ कीमत की अफीम बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन सभागार में मामले का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस और SOG टीम के संयुक्त अभियान में अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि थाना मोहम्मदाबाद पुलिस और SOG ने मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपियों को धीरपुर चौराहा से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 5 किलोग्राम अफीम, 23,000 रुपए, 1 बाइक और 2 फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार किया गया एक सदस्य झारखंड के खूंटी जिले का और दूसरा हरप्रसाद यूपी के बरेली का रहने वाला है। SP ने बताया कि आरोपी झारखंड और उड़ीसा से अफीम को लाने के बाद पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में सप्लाई करते थे। स्ट्रीट बस के लिए फरुखाबाद से रवि नंदन की रिपोर्ट। क्या उपलब्ध है सर? ये थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एडिशनल SP CEO मोहम्मदाबाद के नेतृत्व में थाना मोहम्मदाबाद और SOG टीम के द्वारा एक अंतर्राज्यीय मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम कुंजल मुंडा जो कि झारखंड का रहने वाला है और हर प्रसाद जो कि बरेली का रहने वाला है। इनके पास से करीब 5 किलोग्राम अफीम बरामद हुई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ के करीब है। साथ ही साथ इनके पास 23,000 रुपये कैश बरामद हुआ है और 1 अदद मोबाइल और 2 अदद मल्टीमीडिया मोबाइल बरामद हुए हैं और इसमें उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये लोग जो अफीम है इसको झारखंड से और उड़ीसा से प्रिक्योर करते हैं और उसके बाद इसको प्रोसेस करके आगे पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में भी बेचा करते हैं। इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस जो है उनके बारे में जानकारी की जा रही है कि इसमें इस नेटवर्क में और कौन लोग इन्वॉल्व है। अगर किसी और व्यक्ति का नाम सामने आता है तो उसमें भी आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बज न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।